Hi, this is Ishwar Dhare from SVIFS Institute of Forensic Science. My presentation topic is data recovery. Let's start. What is data recovery? Data recovery is the process of restoring data that has been lost, accidentally deleted, corrupted, or made unavailable for any reason from electronic storage medium like hard drive, memory card, optical device, etc. There are occasions when damage to data is permanent and incompletely data recover is not possible. However, some data is usually always recoverable. So basically होता क्या है, data recovery एक ऐसी process है जिसकी help से हमारा जो data delete हुआ है या corrupt हुआ है या any reason, हम उसके help से हमारे data को recover कर सकते हैं। इसके कुछ software आते हैं। Case of recovery, cases of recovery में आप देख सकते हैं, जैसे fire हो चुका है हमारा data, crushed, socked, जैसे laptop कुछ हो जाता है, पर भी हम इन cases में भी data को recover कर सकते हैं। Data recovers techniques. Data restore using software. Only restore data that is not overwriting. Do not work on a physical damage drive. जैसे जो physical damage हुआ है, उसको data को recover नहीं कर सकते. Using various file systems such as FT, NTFS to recover data. Can be used in the restore permanently deleted file from a remover device, etc. Recover, ProPlant, ये software से हम data को recover कर सकते हैं. Recover. Recover is a data recovery program for a window. It is available to recover files that have been permanently deleted. The program can also be used to recover files deleted from USB flash drive, memory card, etc. The program works on a both FT, FAT and NTFS file system. Recover is a data recovery software. है. ये विंडोज में काम करता है. इसके हेल्प से हम हमारे परमानेंटली जो डिलीट हुआ है हम उन फाइलों को रिकवर कर सकते हैं, और ये दोनों में काम करता है कि ऑन बोथ एफएटी एंड एनटीएफएस फाइल सिस्टम. नाउ सी, हम देखते हैं कि रिकोवा का हम यूज कैसे करते हैं. पहले हम रिकोवा को इंस्टॉल करेंगे. इंस्टॉल करने के बाद हम उसे ओपन करेंगे. यहाँ पे हमारा रिकोवा ओपन हो चुका है. अब हम देख सकते हैं हमें क्या डाटा को रिकवर कर सकते, लाइक पिक्चर, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट या ऑल फाइल्स. यहाँ पे हम ऑल फाइल्स का डाटा को रिकवर कर रहे हैं, तो हम ऑल फाइल्स को चुनेंगे. हमने हमारा डाटा टाइप चुन लिया है, तो हम उसके बाद उसे नेक्स्ट करेंगे. देन स्पेसिफाइक लोकेशन सिलेक्ट करेंगे. लोकेशन सिलेक्ट होने के बाद हमारा डाटा स्कैनिंग होने लग जाएगा. स्कैनिंग रिक्वायर्ड फाइल में आप देख सकते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा डाटा रिकवर हो चुका है. शो रिजल्ट, आप यहाँ पे आपका डाटा जो आपने रिकवर किया है आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं. एडवांटेजेस ऑफ डाटा रिकवरी फ्रॉम सॉफ्टवेयर. डाटा कैन बी रिकवर्ड, वेरियस सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, यूजर इंटरफेस इजी टू हैंडल. ये हम इजीली यूज कर सकते हैं, हम इसके हेल्प से हमारे डाटा को रिकवर कर सकते हैं. वेयर सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है हमारे पास जिससे हम डाटा रिकवर कर सकते हैं. अब डिसएडवांटेज ऑफ डाटा रिकवरी फ्रॉम सॉफ्टवेयर. Not work if data is overwriting. अभी data overwritten है तो हम इसमें work नहीं करेगा, और physical damage है तो भी हम data को recover नहीं कर सकते. ये हमारे लिए disadvantages. तो ये था data recovery के बारे में, आपको हमने इसमें बताया advantages and disadvantages. Thank you. Video पसंद आए तो like कीजिएगा, channel को subscribe कीजिएगा.